मान लो हमारे पास 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5, ऐसा कुछ है एक्सप्रेशन। तो इसके साथ हम किस प्रकार से ऑपरेट कर सकते हैं, किसी भी इनइक्वालिटी में, कि अगर दोनों तरफ हम सेम टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इनइक्वालिटी मेंटेन होती है। इसका मतलब ये हो गया कि इफ वी ऐड इक्वल नंबर्स ऑन बोथ साइड्स, राइट, द इनइक्वालिटी स्टिल इज मेंटेन। सो 2x प्लस वाई प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5 प्लस 3, तो ये वैलिड है, ठीक है, इनइक्वालिटी मेंटेन होगी। अगर दोनों तरफ से हम सेम नंबर सेम अमाउंट सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी इनइक्वालिटी मेंटेन होगी। इन अदर वर्ड्स 2x प्लस वाई माइनस 2 इज ग्रेटर देन 5 माइनस 2, तो इनइक्वालिटी अब भी होल्ड करेगी। दिस विल स्टिल बी ट्रू, ठीक है। अगर दोनों तरफ किसी भी इनइक्वालिटी को दोनों तरफ हम अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, मल्टीप्लाई विद पॉजिटिव नंबर, ये इंपॉर्टेंट है जो बता, किसी पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों तरफ, मीन्स 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5 इंटू 4, दिस इनइक्वालिटी विल होल्ड, इनइक्वालिटी मेंटेन होगी। अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ यू मल्टीप्लाई विथ निगेटिव नंबर, ठीक है, द इनइक्वालिटी विल चेंज, ये इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटी विल चेंज। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं माइनस टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2x प्लस वाई को, तो इन इक्वेलिटी का साइन जो है ये पलट जाएगा, माइनस 2 इंटू 5। अगर किसी भी इन इक्वेलिटी को दोनों तरफ निगेटिव संख्या से, निगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, द इन इक्वेलिटी विल चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे अक्सर गलती हो जाती है। अब तक के और जो मैंने ऑपरेशंस बताए उसमें साइन चेंज नहीं होता, मगर सिर्फ दो जगह ऐसी है जहाँ पे साइन चेंज होता है, वो ध्यान रखना आप। एक ये जब निगेटिव संख्या से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब साइन चेंज होता है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पे इसका साइन चेंज होगा, ठीक है। किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो आप, ठीक है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, नो चेंज, मीन्स 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 4 इज लेस देन 5/4। पहले हमने क्या लिखा था बेटा? ग्रेटर देन लिखा था, लेस देन लिखा था, ग्रेटर देन लिखा था। 2x प्लस 5, 2x प्लस y इज ग्रेटर देन 5। इसको अगर हम किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से, किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ करेंगे साइमल्टेनियसली, तो इस इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइक 4 से डिवाइड करते हैं। हाँ, अगर नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो सेम इफेक्ट आएगा जो कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर आता है, बिकॉज हम कह रहे हैं डिवाइडिंग बाय माइनस 4 इज एज गुड एज मल्टीप्लाइंग बाय माइनस अंदर, ठीक है। तो जब आप किसी भी नेगेटिव संख्या से किसी भी इनइक्वालिटी को डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होती है, ठीक है। डिवाइडिंग विथ निगेटिव नंबर 2x
प्लस फाइव डिवाइड बाय माइनस फोर, ये साइन चेंज होगा और ये हो जाएगा फाइव बाय माइनस, ठीक है। किसी भी निगेटिव संख्या से आप डिवाइड कर रहे हैं, इनइक्वालिटी चेंज होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखने का यहाँ, ठीक है। अब एक जगह और आपके पास इनइक्वालिटी इस प्रकार से, टू अपॉन थ्री इज लेस देन x अपॉन द खाली x, ये चीज, ठीक है, टू अपॉन थ्री इज लेस देन x। अब हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर रहे हैं। जब दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, y रेसिप्रोकल ये हो जाएगा थ्री बाय टू और ये साइन चेंज होगा, लेस देन का हो जाएगा ग्रेटर देन वन अपॉन एक्स, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। थ्री बाय टू इज ग्रेटर देन वन बाय एक्स, रेसिप्रोकल करने में साइन चेंज होता है और निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने में साइन चेंज होता है, ये आपको खास ध्यान रखना है, ये दो जगह है जो इसमें आपको ध्यान है, बाकी सारे ऑपरेशंस नॉर्मल आपके चलेंगे, इनइक्वालिटी मेंटेन होंगी, आप चाहे दोनों तरफ घटा कर रहे हैं, दोनों तरफ जमा कर रहे हैं, दोनों तरफ पॉजिटिव संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनइक्वालिटी इज मेंटेन,